करता हूँ तो सब देख पा रहे हैं कितना डेंजर है सब। 18 कोबरा है सब, मैं चाहूँगा दिखाने के बाद। ये भी है एक, निकल गया से पास से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और दोस्तों आप लोग पता है मैं बहुत जगह रेस्क्यू करने जाता हूँ जहाँ पर सांप पकड़ने के लिए। तो आप अक्सर दोस्तों बहुत अंडे वगैरह भी मिलते हैं। और ऐसा दोस्तों जो वीडियो आज का जैसा खास होने वाला है, ऐसा वीडियो दोस्तों पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं दिखाया होगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों होता है कि जो सांप जो मादा फीमेल कोबरा होती है वो अंडे दी होती है, तो लोग खुदाई के दौरान उनके घर में दी होती है तो लोग उसको निकाल के फेंक देते हैं सब, जिससे अंडा भी नष्ट हो जाता है और सांप को भी लोग मार देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जाता हूँ, सांप को भी बचा लेता हूँ और अंडे को भी बचा के मैं सुरक्षित अपने पास रखता हूँ। और आज दोस्तों तकरीबन 1 से 1.5 महीने हो गए, और जैसे 1.5 महीने बाद उस अंडे में से मैं रखा हुआ था, तो उस अंडे में देखिए बच्चे बाहर आएंगे। मैं चाहूंगा दिखा दीजिए, देखिए यही है। अब देखिए सारे बच्चे अचानक से बाहर आ गए हैं, और देखिए इसी में अभी कुछ हैं। ये देखिए ये अंडा रहा, इसको मैं जैसे तोड़ूंगा किसी के अंडे को, सब के सारे कोबरा सांप देखिए बाहर आएंगे इस तरह। तो देखिए ये जस्ट अभी पैदा हुआ है, ये कोबरा सांप है, ये बेबी कोबरा है, कितना सो प्यारा है आप लोग देख पा रहे हैं। अब अभी सो सम है, अभी देखिए ये भी अंडा है, आप लोग देख पा रहे हैं। इसका पूंछ है, देखिए किस सिर बाहर आया। अब देखिए इसको ऐसे मैं दबाऊंगा, ऐसे इसको हल्का सा तोड़ना पड़ेगा। तो सो ऐसे ही बच्चों का जन्म वो होता है कोबरे का, आप लोग लाइव देख लिए कैमरे पर, देखिए किस तरह आपके सामने अंडे से बाहर आ रहे हैं सब। तो देख पा रहे हैं एक कोबरा है, और देखिए जो उसका हुड है जन्म से ही बना है, ये वजह से अभी पैदा हुआ है मेरे हाथ में ही, अभी देखिए हुआ। तो दोस्तों इतने सारे अंडे में से बाहर आए, बहुत अंडे में से अपने आप ही बाहर आ गए, और बहुत अंडे में से आने की कोशिश, देखिए भी है सिर निकाल के, देखिए किस तरह बैठा हुआ है सांप। तो इसको हम लोग बस थोड़ा सा बस हल्का सा छेद करेंगे तो आ जाएगा सही साधन हो करीब से। दोस्तों इसको देखिए ये चलिए दोस्तों देखिए ये भी कोबरा है, इसको भी हम लोग बाहर निकालेंगे। सो देख पा रही है, देखिए आ गया उसे, काफ़ी बड़ा है कोबरा ये, आप देख पा रहे हैं इसका हुड, फन वाला कोबरा सांप है। सो और ये सारे बच्चे बाहर आते हैं, इनकी जो माँ हो माँ पूरा सही थी, लेकिन अब लोग कारण मतलब इसकी माँ को भी पकड़ के कहीं छोड़ना पड़ा, इसकी मम्मी को मैं छोड़ चुका हूँ ऑलरेडी, अब इनका नंबर है। तो सो इसी रात को ही मैं इनको पकड़ के, इनको सारे बच्चों को पैदा करके मैं छोड़ दूंगा। फिर से देखिए आ रहा है किस तरह, किस तरह जीप को निकाला, देख रहे किस तरह बच्चा को कैसे दिखा दीजिए और भैया। तो देखिए किस तरह जीप को निकाल रहा है, चलिए इनको भी निकालते हैं। और सो अभी अभी ये बाइट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनमें जहर लगभग ना के बराबर है अभी इसमें। देखिए ये हाथ में है कोबरा, तो कितना हो गया। और अभी देखिए और अंडे हैं, अभी और अंडे में भी हैं सब, देखिए इसमें भी है। इसको भी हम लोग फोड़ के अंडे को बाहर निकालेंगे। तो देखिए किस तरह आ गया बाहर। तो ऐसा लाइव आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसा वीडियो लगभग यूट्यूब पे कोई नहीं दिखाया होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर दोस्तों इनको ऐसे ही डब्बे में पैक करके, डब्बा दीजिएगा सारे के ऊपर है। अच्छा दोस्तों अभी मैं गिनती करता हूँ कितने हैं टोटल, क्योंकि अभी बहुत दोस्त बहुत बच्चे को मतलब अपने आप वो निकले हुए थे। मैं तो चलिए दोस्तों ये भी पैक हो चुका है, अब चलिए इनको सुरक्षित कहीं जंगल में, किस तरह काटेंगे चल रहा है, इनको सुरक्षित कहीं जंगल में लेकर चलते हैं छोड़ने के लिए। और सारे देखिए पैक हो चुके हैं और चलते हैं छोड़ने के लिए, इनको सुरक्षित कहीं छोड़ भी देते हैं हम लोग। तो आइए तो दोस्तों जैसे कि आप सबने वीडियो में दिखाई है, दोस्तों क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से बेबीज कोबरा थे सब,
वो बस इतने बड़े बड़े आप लोग देखेंगे। देखिए पकड़ के इस जंगल में उसको रात में हम लोग रिलीज करने के लिए आ गए, ताकि ये बेचारे सब अब घूमेंगे सब और अपना शिकार उकार करेंगे सब और अपना लाइफ सर्वाइव करेंगे और बड़े होंगे सब। तो और जिससे प्राकृतिक का जो अनुकूलता वातावरण रहे सब कुछ सुरक्षित रहेगा और प्रकृति के संतुलन बनाए रखेगी। तो चलिए मैं चाहूँगा दिखा दीजिए, यही है ये डब्बे में ही है। अब देखिए सभी को मैं एक साथ में रिलीज करता हूँ, तो सो देख पा रहे हैं कितना डेंजर है सब। तो सो देखिए एक साथ इतने बेबीज कोबरा आप लोग फर्स्ट टाइम देखे होंगे दोस्तों, देख पा रहे हैं। अब ये धीरे 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 ऐसे ही इन्हीं जंगल में झाड़ियों में कहीं न कहीं गुम हो जाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए किस तरह सब चल दिए सब। तो देखिए फन काल किस तरह बैठे हुए हैं महाराज जी। अब देखिए सब के सब इधर उधर छिट गए सब। अब देखिए एक यहाँ जा रहा है, एक महाराज यहाँ जा रहे हैं। देखिए अब धीरे धीरे तो फनकार के देखिए लगभग देखिए सो धीरे धीरे ऐसे ही रेंगते हुए सब कहीं न कहीं चले जाएंगे सब। तो सो आप देखे हैं अब मैं छोड़ा हूँ सब के सब रेंगते हुए चले गए हैं सब। और सो यहाँ से मैं जल्दी जाऊँगा क्योंकि बच्चे ज़्यादा मतलब 20 बच्चे हैं सब, तो अगर टहलेंगे तो पैर के नीचे भी आ जाएंगे। रात का समय है तो हम लोग तुरंत तत्काल यहाँ से जाने वाले हैं और मैं सबको छोड़ दिया हूँ, अपना लाइफ सर्वाइव आराम से करेंगे। तो बस दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए और इन बच्चों के लिए दोस्तों आप मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।